चलिए आपको ये दिखाते हैं कि संसद में जो कूदने वाला शख्स था, जिसका नाम मनोरंजन बताया जा रहा है, उसका आखिर झूठ कैसे बेनकाब हुआ है। ग्राफिक्स के जरिए आपको जरा समझाने की कोशिश करते हैं। मनोरंजन का झूठ बेनकाब हो गया है। घर वालों को इसकी जानकारी दी, कीपैड फोन का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा था। हालांकि हकीकत यह है कि स्मार्टफोन पर जो सिग्नल है वो ऐप से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा आप देखिए, घर वालों को क्या बताया कि स्वामी विवेकानंद की किताब वो पढ़ा करता है, लेकिन सच क्या था, किताबें वामपंथी और बागी जो विचारक है उनकी मिली है, यानी कि विचारधारा जो सोच है वो कैसी थी, ये भी सामने आ गई। घर वालों को बताया कि बेंगलुरु वो जा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि दिल्ली आकर इस पूरे हमले की जो वहां पर पूरा वारदात हुई उसकी जो साजिश है वो रची जा रही थी। इसके अलावा आप देखिए, घर वालों को जानकारी ये दी कि खर्च के लिए 3,000 रुपए लिए हैं, लेकिन फ्लाइट से दिल्ली 3,000 में आखिर कैसे आ गया, क्या महज 3,000 रुपए या और भी पैसे किसी ने दिए थे, इसी की इस वक्त जांच पड़ताल भी की जा रही है। ये वो झूठ है जो बेनकाब हो चुका है। मनोरंजन जो संसद के भीतर कूदता है और उसके बाद आप देखिए हर कोई सन्न रह जाता है कि लोकसभा जहां पर जो सिक्योरिटी है वो इतनी टाइट होती है, आखिर कैसे उसे भेद कर ये भीतर घुस जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आपको ये भी बताएं कि उसी के पास से जरिए आरोपी मनोरंजन और सागर के अंदर दाखिल हुए थे, और पुलिस के सूत्र ये भी बताते हैं कि संसद की सुरक्षा में सेंधमारी की इस घटना में राजस्थान के नागौर का रहने वाला महेश भी शामिल होने वाला था, ही बदल दिया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ललित ने बताया कि घटना के बाद लोगों के छिपने और दूसरी चीजों के इंतजाम करने की जिम्मेदारी महेश पर थी, इसीलिए ये तय हुआ था कि महेश दिल्ली नहीं जाएगा बल्कि वो राजस्थान के नागौर में ही रहेगा और घटना के बाद जब आरोपी वहां पहुंचेंगे तो उनके रुकने की व्यवस्था करेगा। हालांकि संसद के अंदर और बाहर हुई इस घटना के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। सिर्फ आरोपी ललित ही दिल्ली से नागौर पहुंचा था। इसके बाद महेश ने उसके ठहरने का इंतजाम करवा दिया, इसीलिए पुलिस महेश को संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की साजिश में बराबर का भागीदार मान रही है। महेश राजस्थान के नागौर जिले का रहने वाला है और वो वहाँ मजदूरी करता था सूत्र बताते हैं कि महेश लगातार इस साजिश में शामिल आरोपियों से बात भी करता था, लेकिन दिल्ली पुलिस के पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब ये पता चला कि ललित ने संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए प्लान बी भी तैयार कर रखा था। पुलिस सूत्रों की अगर माने तो ललित ने संसद के बाहर स्मोक कलर अटैक करके हंगामा खड़ा करने के लिए एक दूसरा प्लान भी बना लिया था, और उस प्लान बी के तहत अगर नीलम और अमोल अपने काम में फेल हो जाते तो वहां प्रदर्शन के लिए महेश और कैलाश नाम का एक और शख्स तैयार था। मतलब ललित ने संसद के बाहर हंगामा खड़ा करने के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान ललित ने यह भी दावा किया कि नीलम और अमोल संसद के बाहर नहीं पहुंच पाते तो कैलाश और महेश घटना को अंजाम तक पहुंचाते, और प्लान के तहत वो दूसरी तरफ से आते और मीडिया के कैमरे के सामने स्मोक कलर अटैक करते। मतलब इस घटना के वक्त न सिर्फ ललित संसद परिसर में मौजूद था बल्कि कैलाश और महेश भी आसपास ही पूरी घटना पर नजर बनाए हुए थे। महेश वही है जिसके साथ ललित ने थाने में सरेंडर कर दिया है। आरोप है कि महेश ने ही राजस्थान के नागौर में ललित को पनाह दी थी। सूत्र ये भी बताते हैं कि पूछताछ में कैलाश का नाम सामने आने के बाद पुलिस ने उसे भी हिरासत में ले लिया। पुलिस की टीम कैलाश और महेश से पूछताछ कर रही है ताकि पूरी साजिश से पर्दा उठाया जा सके।